नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल बी गुड पर। यह मुमकिन है कि बारिश आए और ज़मीन गीली ना हो, ये भी मुमकिन है कि बहारें आए और सरसों पीली ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि संदीप आचार्य का नाम आए और हमारी आंखें गीली ना हो। आचार्य का एक ऐसा लाडला कलाकार, एक ऐसा लाडेसर कलाकार जो बहुत कम समय के लिए इस दुनिया में आया, लेकिन जब आया तो एक जादू करके चला गया। जैसे हिमालय से पावन गंगा निकलती है, जैसे आसमान में परिंदों की उड़ान हो, जैसे फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं, जैसे सूरज की किरणें छूती हैं पेड़ों को, उसी तरह लोगों के दिलों को छूकर चला गया बीकानेर का लाडला इंडियन आइडल स्वर्गीय संदीप आचार्य। मेरे जैसा कोई कहा, मेरे साथ सारा जहां, मेरे जैसा कोई कहा, मेरे साथ सारा जहां। एक आवाज जिसने बीकानेर का गौरव बढ़ाया। संदीप आचार्य का जन्म 4 फरवरी 1984 को बीकानेर में हुआ और बीकानेर के इस बेटे ने अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह किया। 2006 में सोनी टेलीविज़न के प्रोग्राम इंडियन आइडल के विनर रहे संदीप आचार्य। मैं जो तराना झूम के गाऊं होठों पे सजे। ये शाश्वत सत्य है, जो आया है उसे एक दिन जाना है, लेकिन संदीप आचार्य जैसे लोग कुछ ऐसा करके चले जाते हैं जो हमेशा याद रहता है। 15 दिसंबर 2013 को संदीप आचार्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन स्वर्गीय संदीप आचार्य बहुत कम उम्र में एक कमाल का जादू करके चले गए। लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने का जादू। संदीप आचार्य का सफ़र बहुत छोटा था, लेकिन बेहद कामयाब था। एक ऐसा सफ़र जिसे याद करके युग बीत जाएंगे। वो अपनी आवाज की खुशबू इन फिजाओं में छोड़कर चला गया, जो जमानों को महकाती रहेगी। संदीप आचार्य की पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। मेरे जैसा कोई देखो मेरे आंसू यही करते हैं पुकार, आओ चले आओ मेरे भाई मेरे यार, पहुँचने आंसू मेरे क्या नहीं आओगे तुम, पहुँचने आंसू मेरे क्या नहीं आओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कभी जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कभी। मेरे जैसा कोई कहा,